वालेकुम फ्रेंड्स, मैंने बहुत अरसे के बाद एक ऐसी पाकिस्तानी मूवी देखी है जो बहुत हार्ट टचिंग है, जो मेरे दिल को छू गई और मैंने उसको दिल से देखा है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें सब कुछ एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट किया गया है, यानी कि इसमें लव स्टोरी है, इसमें एक्शन भी है, इसमें इमोशंस हैं, इसमें पाकिस्तानी जॉइंट फैमिली सिस्टम, सब कुछ मिला के एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में उसको शो किया गया है। और इस मूवी में कुछ ऐसे सीन भी हैं जो इतने इमोशनल हैं कि मैं खुद दो तीन जगहों पे रोने लगा था। और ये एक ऐसी मूवी है जो मुझे हुमायूं सईद, महवेश हयात वगैरह की बनाई गई पाकिस्तानी सुपरहिट फिल्मों से भी मुझे ज्यादा अच्छी लगी है, जिसमें ये पंजाब नहीं जाऊंगी और लंदन नहीं जाऊंगा वगैरह ये शामिल है ना, सुपरहिट फिल्में समझी जाती हैं पाकिस्तानी सिनेमा की, तो ये मूवी मुझे उनसे भी ज्यादा अच्छी लगी है। और इस मूवी का नाम है टच बटन, और इसका नाम काफी अनोखा है क्योंकि नाम का इस फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी लव स्टोरी है। इस फिल्म को इस तरीके से लिखा और बनाया गया है कि कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि फिल्म को खाम खा खींचा जा रहा है, कोई गैर जरूरी सीन नहीं है, हर सीन जो है वो अपने आप में बहुत अहम सीन है, और जो जो इसके करेक्टर्स हैं वो भी सारे जानदार करेक्टर्स हैं, कोई भी करेक्टर फालतू दिखाई नहीं देता, और इसके साथ साथ किसी भी एक्टर को या करेक्टर को जरूरत से ज्यादा अहमियत नहीं दी गई, जो ओरिजिनल स्टोरी है उसको ओरिजिनल अंदाज में पेश किया गया है, कोई ओवर एक्टिंग नहीं है, कोई इसमें मतलब ओवर इमोशंस या गैर जरूरी मिसाला वगैरह नहीं डाला गया। तो ये मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, और इस मूवी ने जो है इसका बजट 12 करोड़ था और जो इसने बिजनेस किया 38 करोड़ का इसने बिजनेस किया, जो मेरे ख्याल से काफी अच्छा बिजनेस है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको इस मूवी के करेक्टर्स और इसकी स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के जो स्टार कास्ट है उसमें मेन रोल में आपको नजर आएंगे फरहान सईद और फिरोज खान। फिरोज खान थोड़ा नेगेटिव रोल में है, और इसकी जो फीमेल एक्टर्स हैं उनमें मेन रोल शामिल है ईमान अली, और दूसरी जो है वो सोनिया हुसैन है। इसके अलावा सपोर्टिंग रोल में आपको सुहेल अहमद, कवी खान और मरीना खान जैसी मतलब एक लेजेंड एक्टर्स आपको नजर आते हैं, और लेजेंड एक्टर कवी खान की ये आखिरी मूवी थी, उसके बाद वो वफात पा गए। तो ये इसके करेक्टर हैं, और इसके आइटम सॉन्ग में एक जो है उसमें उर्वा हकैम भी आपको नजर आती है, जो फरहान सईद की रियल लाइफ बीवी है और वो इस मूवी की प्रोड्यूसर भी है। और इसमें जो फरहान सईद का नाम होता है बड़ा एक दिलचस्प नाम होता है, काका या काका साहब ऐसा नाम होता है। इसके अलावा जो फिरोज खान है उसका नाम होता है साकिब, और जो सोनिया हुसैन है उसका नाम होता है
शकीना और जो ईमान अली है, ईमान अली का नाम होता है लीना। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से होती है कि काका और साकिब जो है वो बचपन से गहरे दोस्त हैं, और काका तो अपने गांव में ही रहता है, जबकि जो साकिब है वो पैसे कमाने के लिए तुर्की में एक होटल वगैरह पे काम करता है। और साकिब के घर वाले उसकी शादी करना चाहते हैं शकीला से, लेकिन साकिब जो है शकीला को एक गांव की अनपढ़ औरत समझता है, उसको इतनी अहमियत नहीं देता, इसलिए वो चाहता है कि इससे मेरी शादी ना हो। फिर उधर तुर्की में ही उसकी एक फ्रेंड होती है साकिब की, जो असल में ईमान अली है, उसका नाम लीना होता है। और ये जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं वहाँ। फिर साकिब जो है वो काका साहब को कहता है कि तुम कुछ करो और किसी तरह शकीला से मेरी शादी रुकवा दो। और अपनी अम्मी को भी जब यही बात कहता है तो वो कहती है कि तुम जो है कोई गोरी मेम ले आओ तुर्की से। तो उसके लिए जो है साकिब लीना को कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो, मैं जो है अपने गांव जाऊंगा, तुम मेरे साथ जाओगी और वहां पे सिर्फ इंग्लिश बोलोगी, तो फिर जो है सब लोग यही समझेंगे कि ये गोरी मैम ले आया है, और इस तरह जो है मेरी शादी शकीला से नहीं होगी। तो साकिब भी रेस्टोरेंट होटल वगैरह चलाने में उसकी हेल्प करता है लीना की, तो लीना भी उसकी हेल्प के लिए राजी हो जाती है। और इस तरह वो पंजाब में वापस आ जाते हैं। और काका जो है वो काफी सीधा साधा होता है, वो अपने दोस्त के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, इसलिए वो कुछ झूठ बोलता है शकीला को, तो शकीला जो है फिर खुद ही शादी से इनकार कर देती है, अपनी अम्मी को कहती है कि मैं साकिब से शादी नहीं करूंगी। फिर गांव की हवेली में कुछ ऐसा होता है कि जो शकीला होती है वो लीना के साथ मिलती है, और उसके बाद वो इस तरह का कुछ स्टाइलिश पोज बना के आती है, तो साकिब को वो खुद ब खुद अच्छी लगने लगती है। और लीना जो है उसको जब सब कुछ पता चलता है कि जो साकिब है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने सबसे वफादार दोस्त काका को इस्तेमाल कर रहा है और उसके साथ साथ लीना को भी यूज कर रहा है, तो लीना को ये चीज अच्छी नहीं लगती। वो काके को भी समझाती है कि तुम ऐसा मत करो, ये जो है साकिब ये किसी का नहीं है, ये सिर्फ अपना जाती मफाद देखता है, तुम उसकी मजीद हेल्प मत करो। तो फिर इस तरह करते करते यानी कि जब वो एक साथ कुछ टाइम गुजारते हैं लीना और काका साहब, तो इन दोनों को आपस में लाभ हो जाता है, क्योंकि दोनों एक ही नेचर के होते हैं, दोनों तकरीबन सीधे साधे होते हैं, तो इस तरह उन दोनों को आपस में लाभ हो जाता है। और दूसरी तरफ काका जो है वो साकिब को कहता है कि अब मैं मजीद तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सबसे धोखा कर रहे हो। तो फिर वो जो होता है साकिब, वो कहता है अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करूंगा। तो इस तरह साकिब अंदर ही अंदर साजिशें करना शुरू कर देता है। आगे जाके साकिब साजिशें कर करके जो है अपने मकसद में कामयाब हो जाता है,
वो अपने घर वालों को इस बात का यकीन दिलवा देता है कि काका जो है वो गलत करेक्टर का आदमी है और लीना के साथ वो अपने मुंह काला कर रहा है। तो घर वाले इस चीज का इशू बना के, खास तौर से जो सोहेल अहमद होता है ना, वो असल में काके का चाचा होता है, लेकिन काके का जब वालिद फौत हो जाता है तो सोहेल अहमद जो है उसकी जिम्मेदारी उठाता है और उसको अपने बेटे की तरह पालता है। तो जब उसको ये दिखाया जाता है कि काका जो है वो लीना के साथ मुंह काला कर रहा है, तो वो उसको यानी कि काफी ज्यादा मारता पीटता है बेचारे को, काका को, और उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसको हवेली से निकाल देता है। दूसरी तरफ जो शकीला होती है उसको सारा कुछ पता चल जाता है, उसको लीना भी सारा कुछ बता देती है। फिर वो कहती है कि मैं जो है ये साकिब की असलियत सबके सामने लाऊंगी, तो वो जाके कवि खान को सारी सच्चाई बताती है। कवि खान जो है वो घर का बड़ा होता है, दादाजी होता है, तो वो फिर सबको बताता है कि हमें धोखा दिया गया है, काका ने कुछ गलत नहीं किया, हमने बस लोगों की बातों में आके उसको ऐसे ही घर से निकाल दिया। बस फिर वो जो है सोहेल अहमद खुद काके के पास जाता है, उससे माफी मांगता है, और इस दौरान लीना भी इनके इस रवैये से यानी कि मायूस होकर वो तुर्की वापस जा रही होती है। तो सारे घर वाले काके को कहते हैं कि तुम दोनों आपस में सच्ची मोहब्बत करते हो, इसलिए तुम जाके लीना को रोक लो और लीना ताकि तुम दोनों की शादी हो सके। फिर जो है वो काका बेचारा जाता है उसको लेने के लिए, रास्ते में उसका एक पुराने दुश्मन भट्टी मिल जाता है जो उसको काफी मारता पीटता है, और काका भी उससे अच्छी तरह फाइट करता है, लेकिन काका यहाँ पे थोड़ा सा यानी के फिर कमजोर हो जाता है, वो उनको संभाल नहीं पाता। तो वहां पे दोबारा जो है एक छोटा सा यानी के ट्विस्ट आता है कि जो साकिब होता है वो वहां पे पहुंच जाता है, वो काके को इन गुंडों से बचवाता है और कहता है कि जाओ तुम अपनी लीना को वापस ले आओ, इनको मैं संभालता हूँ। तो यहाँ पे काफी अच्छे एक्शन सीन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अल्टीमेटली वो जो है काका साहब वहां पे रेलवे स्टेशन पे पहुंच के लीना को वापस ले आता है और उनकी शादी हो जाती है। इधर जो है साकिब भी शकीला से शादी के लिए तैयार हो जाता है, और इस तरह जो है इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इस मूवी में मुझे पर्सनली जो करेक्टर या जो रोल सबसे ज्यादा अच्छे लगे हैं वो रोल फरहान सईद और इमान अली के हैं, और इमान अली इसमें काफी बोल्ड स्टाइल में भी नजर आती है, फिर भी जो है उनका करेक्टर काफी अच्छा है, और मतलब है कि करेक्टर इस तरह का है कि उसमें कुछ गलत नजर नहीं आता बंदे को, बिल्कुल एक यानी के पॉजिटिव करेक्टर है इन दोनों के। तो ये मुझे पर्सनली काफी अच्छी स्टोरी लगी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इस मूवी में हर एलिमेंट को प्रॉपर स्पेस दी गई है, हर करेक्टर को यानी के उनका जायज कंट्रीब्यूशन, उनका जायज रोल उनको अलाउ किया गया है, जिसकी वजह से मूवी में कहीं भी यानी के बैलेंस खराब नहीं होता। उसके साथ साथ स्टोरी भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ती जाती है, और इस मूवी का म्यूजिक भी काफी अच्छा है। एक जो क्लासिक गाने
जो हमने बहुत से लोगों ने सुना हुआ है, मैंने बोल दी मेरे बिच मेरा यार बोलता, ये सॉन्ग भी इस मूवी में रिमिक्स के तौर पर मौजूद है। बाकी सॉन्ग्स भी काफी हद तक अच्छे हैं, म्यूजिक अच्छा है और बाकी चीजें भी इसमें मुझे काफी बेहतरीन अंदाज में मुझे लगी है। तो मैं इस मूवी को 5 स्टार्स में से 4 स्टार जरूर दूंगा और ये मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि जो लोग खास तौर से लव स्टोरीज के शौकीन है ना, वो ये मूवी जरूर देखें। बहुत सी इंडियन फिल्मों से, हिंदी फिल्मों से भी ज्यादा आप लोगों को ये मूवी पसंद आएगी। जो शाहरुख खान की दिल तो पागल है या कुछ कुछ होता है, इस तरह की जो सुपरहिट मूवीज है ना, वो मेरे ख्याल से इस मूवी के आगे कुछ नहीं है। ये मूवी उनसे काफी बेटर है और खास तौर से जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं उनसे तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि भी पाकिस्तानी भाई पाकिस्तानी, आप इस मूवी को एक दफा जरूर देखें। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की तमाम लव स्टोरीज से आपको ज्यादा पसंद आएगी। सो ये था इस मूवी का फुल रिव्यू और ये मूवी मुझे बहुत ही पसंद आई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी एक बार इस मूवी को जरूर देखेंगे। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, खुदा।